नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIII द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको न्यू एज टीचिंग टेक्निक से संबंधित नागालैंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्कूल मार्केट, जो कि एक बहुत ही रोचक नवाचार है। जैसा कि हम जानते हैं, बाजार जो है एक गतिशील स्थान है। यहां पर बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं। यहां पर लाभ हानि, इसके साथ साथ में क्रय विक्रय आदि बहुत सारी जानकारियां यहां से हमें प्राप्त होती हैं, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो कि अन्य विषयों से जुड़ी होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे नवाचारी शिक्षकों ने अपने विद्यालय में स्कूल मार्केट नामक नवाचार का क्रियान्वयन किया, और इस नवाचार को हमारे नवाचारी शिक्षक तीन चरणों में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला चरण तो होता है उसकी प्रिपरेशन करना, दूसरा चरण शॉपिंग करना, और तीसरा शिक्षकों के माध्यम से इसका मूल्यांकन करना। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे नवाचारी शिक्षक इस गतिविधि के बारे में छात्रों को बताते हैं और छात्रों को कक्षा के छात्रों के अनुसार कुछ वर्गों में, कुछ समूहों में विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने के बाद छात्रों से डमी आकार की बहुत सारी आकृतियां, जैसे कि डमी में कार हो गया, मोबाइल हो गया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉमिक्स हो गई, कॉमिक्स के अलावा बहुत सारे कंकड़ पत्थर सब्जी फल फ्रूट्स आदि बहुत सारी चीजें छात्रों को डमी और जो वास्तविकता की होती है उनको इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। इकट्ठा करने के बाद शिक्षक कुछ छात्रों को दुकानदार बना देते हैं और कुछ छात्रों को खरीदार बना देते हैं। इसके साथ साथ में छात्र फटे पुराने कागजों के माध्यम से बहुत सारी शिल्प से संबंधित वस्तुएं बनाते हैं, कपड़े की, ऊन की, प्लास्टिक की, पन्नियों की आदि की, इनकी बहुत सारी ऐसी शिल्प से संबंधित, कला से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं जिनको कि वो बाजार में लगाते हैं। इसके साथ साथ में दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं। दुकान लगाने के बाद जो खरीदार छात्र होते हैं वो खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के लिए हमारे नवाचारी शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि वो पुराने कागजों के नोट बना सकते हैं। छात्र नोट बनाते हैं, उसके बाद खरीदारी करते हैं। खरीदारी करते समय छात्र मीटर, किलोग्राम, लीटर आदि जो गणना करने के हमारे यंत्र हैं, मापक यंत्र हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ में लाभ हानि क्रय विक्रय, इन सब जानकारियों को बड़े आसानी से प्राप्त करते हैं। इन दोनों गतिविधियों के क्रियान्वयन करने के बाद हमारे नवाचारी शिक्षक इसका मूल्यांकन करते हैं, क्या छात्रों के द्वारा सही क्रय विक्रय किया गया, लाभ हानि क्या निकला, ये बिल्कुल सही उनके द्वारा बताया गया। इसके लिए शिक्षक चर्चा पर चर्चा करते हैं, एक एक स्टॉल पर जाकर के छात्रों से पूछते हैं और पूछने के बाद उसका सही मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद छात्रों को अगर उनकी कोई त्रुटि होती है तो उसी की जगह पे उनको करेक्ट किया जाता है, उस त्रुटि यानी कि उस समस्या का समाधान किया जाता है, और साथ ही साथ में छात्रों को सही जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इस नवाचार को कक्षा और विद्यालय दोनों स्तर पर बड़े आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है, और ये नवाचार प्राथमिक माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा, विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे, और ऐसे कई दिलचस्प वीडियो नवाचार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया ZIII YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया ZIII Facebook पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।